अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्किस मंसूर। आइए आज हम बनाएंगे चिकन कबाब। ये मैंने चिकन ले लिया है 500 ग्राम, एक कप मटर, दो आलू, ये हमने धनिया और जीरा कूट लिया है, मोटी लाल मिर्च, चाट मसाला, ये हमने भून लिया था थोड़ा सा पहले। नमक, गरम मसाला, अदरक, नींबू। आइए हम इनको पकाएंगे। हमने सारा सामान एक साथ डाल दिया है इसको। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये सारा मसाला हम एक साथ डाल देंगे इसमें। आधा कप पानी। अब हम इसको दो तीन सीटी लगा लेंगे। देखिए ये दो तीन सीटी लग गई हैं, ये हमारा चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इसको इनको इस ये थोड़ा सा पानी बचा है इसमें, अब हम इसको आलू को और मटर को अच्छी तरह से मिला मिला के फोड़ देंगे। ये हमने चिकन थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए इसका सारा पानी भी खुश्क हो गया है। हम इसको इसमें मिला लेंगे चिकन में। ये हमने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी और गाजर, जो हमने पहले से ही कद्दूकस करके रखी हुई थी। ये प्याज जो हमने चॉप कर लिया है, हरी मिर्च, धनिया, अब हम ये इसमें मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अभी ये हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अभी हमने जो अदरक काट के रखा हुआ था, अभी इसको भी मिला लेंगे। इसमें नींबू डाल देंगे। अब देखिए ये इसका बिल्कुल डो तैयार हो गया है। अभी ये हमने मक्की का आटा घोल के रखा हुआ था पहले से ही। ये हमने ब्रेड का थोड़ा सा चूरा ले लिया है। अब हम इसमें ये टिक्की बना के, पहले ब्रेड का जो ये हमने घोल बना रखा था इसमें डिप करके, फिर हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा ये ब्रेड का चूरा लगा लेंगे। ये अब हम तेल हमारा हो चुका है, अब हम इसमें इसको डाल देंगे। ये देखिए ये गैस को हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है। अब देखिए ये अच्छे से सिक गई हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए हरी चटनी के साथ चिकन कबाब तैयार। अब इनको खाइए, आप ज़रूर बनाइए घर में, ये बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे।